बैठो बहना, कहां से हो? अच्छा माइक ले लो बेटा, अच्छे से बैठ जा। कहां से हो? सुंदरनगर रायपुर। रायपुर से? अच्छा पहली बार आई क्या? नहीं हैं, दिव्य दरबार में पहली बार आई हूँ। अच्छा कथा में आई? कथा में आई हूँ। क्या नाम है? नेहा थवाइत। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बस अपने मन से सीताराम का जाप किया है और आपने मुझे बुला लिया है। तुम्हारी जय हो बहन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन आपकी? अच्छा बड़े क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना, माय डियर सिस्टर थैंक यू। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? इस सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे? नहीं ट्रोल नहीं, रोज हमारी शादी यह हो रही हाँ, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया। आप बिना श्रृंगार के आगे से हम ऐसे रहेंगे। मजाक कर रहे, बालाजी की कृपा है, हमारा स्वभाव है मजाक करने। साथ में कौन आया बहना? मेरी माँ आई है, मेरी बुआ आई है, मेरी छोटी माँ को बुलाओ, तुम्हारी माँ बहुत भक्तनी है। और मेरा छोटा भाई है। माँ बैठ जाओ, वो आ जाएंगे, प्रवेश करवा दें, जो सेवादार हैं वो प्रवेश करा दें। क्या समाधान, क्या रास्ता आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हैं? मैं मेरा करियर के लिए थोड़ा सा मतलब चिंतित रहती हूँ। करियर क्या? के लिए मतलब चुन नहीं पा रहे हैं आप क्या? थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ ना, मतलब ध्यान एकदम। आज वो कंफ्यूजन हम मिटाएंगे जी। तो क्या लक्ष्य पाना चाहती हैं? वही निर्धारित नहीं कर पा रही हूँ जी। मैथ्स ली हूँ, पीसीएम ली हूँ, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ओके तो आपने कुछ विचार किया कि हमें ये बनना है? मेरा सपना था आईपीएस बनने का। ओके कोई बात, एक प्रश्न और, दो हैं आपके जी। मेरे मन में और कोई प्रश्न नहीं है मेरा, बस हम बताएं जी। पढ़िए, आप तो पढ़ी लिखी, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? मैथ्स। ये क्या लिखा? कैरियर उज्जवल होगा, यही इनका प्रश्न है। देखने आई हुई हैं, आप जानना चाहती किस रास्ते पर जावें। सिविल सर्विसेज मार्ग में आपका योग नहीं है, आप आगे चल करके अगर पाना चाहो तो एसडीएम पद का योग बन रहा है। तैयारी तेज करें, माँ को घुटनों का दर्द बना रहता है, सिर में उनको पीड़ा बनती है, उसमें भी आराम लगेगा। आपको बीच बीच में पेट की दिक्कत बनती है, वह भी ठीक हो जाएगी। और कृष्ण भक्त हैं, उनकी भक्ति पाना चाहती, महात्मा प्रेमानंद बाबा का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, वह ठाकुर जी को पाना चाहती, वो मिलेंगे, आशीर्वाद है। मेरी माँ को बुला दीजिए। ये बराबर? हाँ। कोई संदेह? नहीं, मैं कृष्ण भक्त तो हूँ, मेरी माँ को बुला दीजिए। आओ। हाँ, सपना नहीं देख रहे, हकीकत हो, चाटिया काट दो बहना। मम्मी दीवानी है आपकी। हाँ। जय हो। बोले बागेश्वर वाले बाबा की, सन्यासी वाले बाबा की। डेढ़ साल से आपका लक्ष्य विचलित हो गया, विचलितता बहुत हो गई, मोबाइल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आलस बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा दिमागी में विचार, जो माइक से हम बहुत संकेत बोल रहे हैं, संकुचित बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। पहले तो आप ध्यान करना शुरू करो, सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। आप इस लक्ष्य को पाना चाहते, उस लक्ष्य में आप पहले लगो। अभी आपके तीन निर्णय, आपने पहले आईपीएस बनने का सेवा बल का विचार किया था, सिविल सर्विसेज का आपने विचार किया, फिर डॉक्टरी मार्ग में वैज्ञानिक बनने के लिए आपने प्रयत्न किया। अभी आपका सबसे ज़्यादा रिसर्च के ऊपर दिमाग करता है कि हम कुछ नई खोज करें, रिसर्च करें, अभी आपने ऐसी तैयारी कर रखी। माइक लो, am I right? Yes. ठीक है, इसलिए सिस्टर पहले इन तीन लक्ष्यों में एक लक्ष्य चुनो कि हमें क्या करना चाहिए। उसका उत्तर अगर हमसे पूछो कि हनुमान जी आपके क्या आज्ञा दे रहे, तो हमारे सन्यासी बाबा ने आपके लिए यह आज्ञा दी कि आप जो है एसडीएम पद की तैयारी करें, इसमें निश्चित रूप से सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। जैसे हनुमान जी की आज्ञा। माँ तुमको एक चर्चा करनी है। बोलो माँ।
आपने एक लाइन का प्रश्न किया कुछ, पूछो। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे और मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आए। पढ़ो नीचे वाली लाइन आपकी, भक्ति में अड़चन नहीं होगी, आशीर्वाद बच्चों पर सब पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। यही सोच के मैं आई हूँ इस पंडाल में, व्यासपीठ में, कि मेरी भक्ति में कोई अड़चन मत आए। मैं भजन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी, इसके कारण मैं अपने परिवारों से भी कभी कभी सुनती हूँ, बच्चों का भी नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पागल हूँ भक्ति और भजन में। और कुछ कुछ ज्यादा पागल ना हुई हो, नहीं तो घर छूट जाए, मैं आपको पकड़ लूंगी। क्योंकि बहुत ताने मिल रहे हैं आपको, बिल्कुल बहुत कलेश हो रहा है, लेकिन मैं जिम्मेदारी करके हाँ, दोनों आप निभाओ, भजन भी करो वहाँ घर में रह करके, प्रभु का भजन भी, ये आपका आया है और इसमें एक मंत्र लिखा, दोनों को करना है, धाम आना है, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। पता है, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ, हनुमान जी की सौगंध मैं आज बोल के आई थी और रात में कि आज जरूर बुलाएंगे गुरु जी मुझे, सच्ची अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, यहाँ पे व्यासपीठ पे हूँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जाऊंगी करके, लेकिन मैं चर्चा किसी को नहीं की थी, किसी को नहीं की थी गुरु जी, मैं बोली थी गुरु जी आप बुलाओगे करके, सच में बुलाओगे करके। मेरी बहन, मेरी माँ, बिल्कुल बहना, बिल्कुल लो माँ, हाँ थैंक यू, अपने श्री चरणों में रखना गुरु जी, धन्यवाद, जाओ बोले बागेश्वर बोले बाबा की जय। मेरी बहना खुश रहो सदा, सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर 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 हर।